साथियों नमस्कार, आपका अपना दोस्त ये मुकेश नागर आपके सामने है। बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों, करीबन जो है हिंदी के अंदर आंसर की आने के बाद में 70 से 80% स्टूडेंट के 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। मतलब ये मानिए साथियों कि परसेंटेज नीचे आने वाली है, जैसा सोच रहे थे इतनी जाएगी उतनी जाएगी, हवा बना रखा था हर किसी ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। तो साथियों अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो साथियों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त को अपनी फैमिली का मेंबर बनाइए साथियों। तो साथियों आज हम बात करेंगे आने वाली भर्तियों के ऊपर और बात करेंगे आंसर के आने के बाद में सेकंड ग्रेड हिंदी की क्या रह सकती है कट ऑफ। और साथियों मैं आपको विश्वास दिला देता हूं यहां पर अगर इससे ज्यादा कट ऑफ चली जाए ना तो नाम चेंज कर देना मेरा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों आपके द्वारा जो क्वेश्चन मिलाए गए हैं, मिलाने के बाद में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है और आरपीएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर एक गलत माना है, तो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिए। हम लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए नोट्स निकाल रहे हैं, उसके लिए अलग अलग बुक्स निकाल रहे हैं, सोर्स ढूंढ रहे हैं और साथियों हम करीबन जो है एसएसटी हिंदी इंग्लिश और संस्कृत के अंदर 27 से 28 क्वेश्चन के ऊपर वहां पर आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। तो साथियों जल्दी से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके प्लीज जल्दी से भेजिए ताकि हम लोग जो है उन क्वेश्चन को और भी ढूंढ सके। साथियों जो हमारे बिहार पे हम लोग क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं वो तो बिल्कुल कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी क्या सोचते हो तो ये चीज सारी होनी चाहिए साथियों। तो आप और मिलकर के कुछ अच्छा करेंगे साथियों, दुनिया को कहने दो जो कह रही है, दुनिया दुनिया काम है कहना और उसको कभी भी विश्वास नहीं करना साथियों। जो मन और दिल कहता है उस पर विश्वास करना चाहिए साथियों। मैं आपको एक बात ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, मैं यही इस एक छोटे से बोर्ड पर, मेरे पास कोई इतना टीवी पैनल इतना बड़ा कोई तामझाम नहीं है साथियों, एक छोटा सा टीवी पैनल है और इस बोर्ड पर मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, वो नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको मैं यहां पर दूंगा कि आप खुद जो है अचंभित हो जाओगे यार क्या जबरदस्त बंदा है, क्या जबरदस्त नोट्स दिए हैं साथियों। नोट्स लिखने के बाद में मैं आपको बता दूं, आप उन नोट्स से आने वाले पेपर और जो पेपर हो गए मिला करके देख लेना, अगर एक भी बार चला जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूं इन बड़ी बड़ी जो कोचिंग है, बड़ी बड़ी जो क्लासेज है, एक भी क्लासेज आपको लगे कि नहीं वाकई में यार बड़ी बड़ी कोचिंग को भी सामने वाले ने फेल कर दिया है तो मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों आपको। तो साथियों आप लोग देखेगा कि क्या क्या चीजें होती है, लोग बड़ी बड़ी हांकते हैं, बड़ी बड़ी ये करते हैं, लेकिन साथियों यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं जाएगी। आप लिख लेना, नोट कर लेना, जिस दिन आपके पास मेरा सामने आए वीडियो कि वाकई में यार ये दिल वाली बात बंदे ने करी है साथियों, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे कह देते हैं, अरे तुम खून करोगे क्या उन बच्चों का, रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मतलब जिन्होंने क्या मेहनत तो उन्होंने नहीं करी। आप सोचिए साथियों क्या आपने मेहनत नहीं करी, अरे कह देते हो 360 जाएगी 380 जाएंगे, ऐसे 380 चले जाएंगे क्या है? मतलब समझना चाहिए यार कितनी जबरदस्त बात है यार, मेहनत करे दो साल हो गए मेहनत करते करते यार, मतलब समझ में नहीं आता इतनी परसेंटेज आएगी, माइनस नहीं होते हैं क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है क्या, कहने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज कम जाएगी क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में अच्छे जो बढ़िया पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं बहुत से बच्चों का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट भी पहले आएगा, मैं आपको बता दूं। और हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले आए, ज्वाइनिंग पहले हो, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट बाद में आए, सेकंड ग्रेड की रिजल्ट की ज्वाइनिंग बाद में हो और उसके बाद में थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, जिससे सिक्वेंस बनी रहे और हर बच्चे को इसका लाभ मिले, ऐसा साथियों हम पॉजिटिव रूप से ये काम कर रहे हैं। तो साथियों आप लोग जो है चैनल को मतलब आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं साथियों कि आप जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हो, मतलब दिल से धन्यवाद साथियों आपको। साथियों देखिए यहाँ पर आंसर की आने के बाद में जो सेकंड ग्रेड की आंसर की आई उसके बाद में जो कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी 2023 के अंदर 8000 पद आने वाले साथियों, कितने पद 8000 पद आने वाले, सबसे बड़ी वैकेंसी होगी फर्स्ट ग्रेड की, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी साथियों, आप देख लेना आप खुद कहोगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में से सबसे आसान काम होता है, फर्स्ट ग्रेड में अगर आपने लंबी रेस के घोड़े हो तो दौड़ना शुरू कर दीजिए, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, या आपका मित्र जो मुकेश नागर है या आपके साथ है साथियों, दिल से आपके साथ है।
सेकंड ग्रेड में 6000 पद आने वाले हैं और थर्ड ग्रेड में 18000 पद आने वाले हैं। बहुत बंपर वैकेंसी है गवर्नमेंट के लिए, जो चुनावी साल है उसके अंदर बहुत भयंकर तरीके से वैकेंसी आएगी, विश्वास मानिए आप साथियों। एलडीसी की 6000 पदे, पुलिस विभाग में 5000 पदे, पीटीआई की 3100 पदे। साथियों अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त को अपनी फैमिली का मेंबर बनाइए। दिल से धन्यवाद देता हूँ साथियों आपको कि आपने जो प्यार दिया है इस एमके नागर को, बहुत बड़ा मजा आता है साथियों आपके साथ मिलकर के, बहुत जोश आता है और शायद आपको भी मेरे से मिलकर के पॉजिटिविटी आती होगी। नेगेटिविटी का तो काम ही नहीं है अपने पास, दिल है दिल साथियों, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड हिंदी की जो कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ में साथियों आपको बता रहा हूं और इससे ज्यादा नहीं जाएगी। साथियों एक बात ध्यान रखना कि संघर्ष की राह आसान नहीं होती है, लेकिन संघर्ष करने की सोच लिया है तो अब सफल होकर ही रहेंगे, ये सोच लो मन में और गांठ बांध लो इस चीज की। जब हम निकल पड़े हैं वो संघर्ष और कांटे भरे रास्तों पर तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे ईश्वर कितनी भी परीक्षाएं ले, हम पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो साथियों दिल से, बस दिल से मानिए और आपने जो मेहनत करी है उसके ऊपर विश्वास रखिए। दुनिया कुछ भी कहे कुछ भी हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यही तो प्यार है साथियों आपका और मेरा कि आज हम लोग जो है इस मुकाम पर हैं। तो अगर साथियों आपको मेरी एक भी बात अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि सर आपकी बातें सुनकर के हम पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। साथियों मैं भी प्रोत्साहित होऊंगा, मैं भी मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, मैं तो आपको करता ही रहूंगा। साथियों मैं आपको बता दूं कम से कम 27 क्वेश्चन में निकाल चुका हूं, तो 4 से 5 जो है व्यक्ति हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, जितने सब्जेक्ट के आंसर की आई है हमने निकाल लिए हैं और एक दो दिन में हम लगाने वाले हैं। 24 को हम लोग, 24 लास्ट डेट है, 23 को शाम को हम आपको 30 पे दर्ज करा देंगे। साथियों आपको 1 रुपए भी देने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। लेकिन इतना जरूर हमें भेज दीजिए सर इस क्वेश्चन के ऊपर आप, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन हमसे छूट जाए, कोई क्वेश्चन हो सकता है। साथियों मैं भी एक हिंदी का लेक्चरर हूं, ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत मेहनत करी है, दिल से मेहनत करी है। तो आप भी सोचिए साथियों इतनी परसेंटेज चली जाएगी उतनी चली जाएगी, रात दिन एक ही राग अल्पाया जा रहा है यार, 360 जाएंगे 380 जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे 380? क्या इतने पढ़ने वाले विद्वान होंगे सब कुछ रट देंगे क्या? अरे उन बच्चों का भी सोचिए जिन्होंने 2-2 साल तक मेहनत करी है, अगर किसी का पेपर खराब हो जाता है तो क्या उसने मेहनत नहीं करी है? मैं आपको बता रहा हूं उसने मेहनत करी है और उसकी मेहनत के ऊपर ध्यान रखना, उंगली मत उठाना साथियों। और कभी भी अपनी मेहनत के ऊपर कोई उंगली उठाता है ना तो मुंह तोड़ जवाब देना, आप हिम्मत वाले हो और आगे सक्सेस हो के रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक बात मैं आपको फिर ये बताता हूं, मैं जो कहता हूं ना आपको ऐसा लगता होगा यार बंदा क्या है, मैं आपको सत्य बता रहा हूं साथियों, दुनिया ऐसी ही है, हमेशा दूसरे पे उंगली उठाना जानती है और जब खुद पे उंगली उठती है ना तो फिर सोचती है करे मेरे बारे में बोल रहा है, मेरे लिए ऐसा कह रहा है। लेकिन नहीं, आपने जो ठान लिया है हर समस्या का सामना करने के, आपने सोच लिए तो कभी ना कभी तो हम लोग इनमें सक्सेस होके रहेंगे। साथियों अगर आपने एमए बीएड किया हुआ है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए दिल से। मैं खुद भी यहाँ पर हिंदी फर्स्ट ग्रेड का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर कंटिन्यू 2 घंटे की क्लासेस लेने वाला हूँ साथियों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं। मैं आपको फिर बता देता हूँ यहाँ पर कि जो अप्रैल का मंथ है उसमें बैच रेगुलर हो जाएगा और जो बैच है वो 25 से कंटिन्यू फर्स्ट वीडियोज आने शुरू हो जाएंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के, ठीक है साथियों। हिंदी से संबंधित जो भी मटेरियल है, चाहे वो काव्य शास्त्र हो, चाहे इतिहास हो, चाहे यहाँ पर ग्रामर हो, चाहे कुछ भी हो हिंदी से संबंधित, और राजस्थान जीके पूरी में करवाऊंगा साथियों, इसलिए विश्वास मानिए दिल से इस भाई को अपनी फैमिली का सदस्य बनाइए। और आपको विश्वास नहीं है तो मैं करके दिखाऊंगा, देख लेना आप लोग। तो मेल और फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, जनरल की जो है 325 से 330 जाएगी, आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ, देख लेना, इससे ज्यादा जाने वाले नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पर, ये मेरा अनुमान एक आंकड़ा है, +5 भी हो सकता है -5 भी हो सकता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि यही रहेगा, आप देख लेना। कम से कम हिंदी में 8 से 10 क्वेश्चन गलत है, आप क्या बात कर रहे हो, 8 से 10 क्वेश्चन गलत है और 8 से 10 क्वेश्चन डिलीट होंगे, आप देख लेना इस बात के लिए। आरपीएससी डिलीट करेगी, कोई बोनस देने वाली नहीं है, मतलब ये ध्यान रखिए। तो उसके बाद में ओबीसी की 320 से 325 है,
इसके बाद ईडब्ल्यूएस के 310 से 320 है, एमबीसी के 300 से 310 है, एससी के 287 से 290 है, एसटी के 280 से 285 है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में मिला लेना आप इससे। मैं आपसे ये कह रहा हूं इससे मिला लेना, अगर इससे ज्यादा चली जाए तो, ये वादा है मेरा आपसे। अरे आपको मिल गए होंगे दो चार ऐसे, 260 आ रहे, 280 आ रहे, अरे कहने से क्या होता है, दिल से पूछो कि तेरे कितने राइट हो रहे हैं भैया। यही हालात है रीट के अंदर भी, यही हालात है। पहले लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी वैक्यू हो, इतनी परसेंटेज जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे जबरदस्ती हो जाएगा है? और बाद में जब बना सर इतनी कम जाएगी, इतना कम होगा, इतना ये होगा, बाद में फिर अपने आप दूसरी फिर अरे कैसा हो गया, वैसा हो गया, अरे मतलब कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ऐसा नहीं है भाई यार, उनके उन बच्चों के सोचो जिन्होंने दो दो साल तक मेहनत करी है। कभी कभी मेरे पास ऐसे मैसेज, मैं आपको बता दूं कम से कम 100 से 150 बच्चों के मेरे पास खुद के मैसेज आ चुके हैं कि सर अब तो जीने की राह ही कुर्बान हो गई। मैंने उनको मैसेज किया नहीं, अभी मैं हूं, आपको दिल से बता रहा हूं, ये से आप लोगों को सत्य बता रहा हूं। इस एक छोटे से बोर्ड पर आप लोगों को ऐसे नोट्स कंप्लीट करा के जाऊंगा ना कि आप खुद सोचोगे कि वाह यार क्या टीचर मिला है, क्या जबरदस्त आदमी मिला है कि एक मतलब इतनी हिम्मत के साथ और इसके साथ हमेशा पढ़ाता है और इसके साथ बोलता है कि इससे बार अगर आ जाए तो नाम चेंज कर देना मेरा। तो साथियों मैं आपको फिर बता रहा हूं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। और इस पेपर में खराब हो गया तो होने दो, कोई बात नहीं है, हो गया तो हो गया, लेकिन जो आने वाली वैकेंसी है उसमें करके दिखाऊंगा। हो सके तो फर्स्ट रैंक लेके आऊंगा, हो सके तो 100 के अंदर आऊंगा, हो सके तो टॉप 10 के अंदर आऊंगा और करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी कर ले। अरे लोक सेवा आयोग हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग हो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं करके दिखाऊंगा, मेरे माँ बाप ने जो मेरे लिए सपना देखा है उस सपने को मैं साकार करूंगा, उस सपने के लिए मैं जी रहा हूं और उन्होंने जो सपना देखा है मैं 100% उसको लेकर के रहूंगा ताकि वो मेरे लिए कुछ बोल सके, मेरे लिए कुछ बता सके। तो इसलिए हिम्मत रखिए और हिम्मत के साथ काम लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक साथ इन्होंने सेकंड ग्रेड की आंसर की, एक साथ इन्होंने रीट की आंसर की, उलझ गया है स्टूडेंट, अरे मैं किसके मिलाऊं और किसकी आपत्तियां लगाऊं, समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता देता हूं रीट के आंसर की के लिए हमने मिला चुके हैं सारे सब्जेक्ट की 27 क्वेश्चन के ऊपर हम आंसर की रेट की आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। और आपको बता दूं उसके अंदर 26 क्वेश्चन हम लोग निकाल चुके हैं पूरे सब्जेक्ट के अंदर, चाहे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और जो एसएसटी है, सबके हम लोगों ने निकाल लिए। और आप भी कमेंट में मुझे लिख के भेजिए सर इस क्वेश्चन के ऊपर भी लगनी चाहिए, चाहे मेरे पैसे लग जाए कितने भी, मैं लगाऊंगा वहां पर आपत्तियां, आप टेंशन मत लीजिए। कोई खड़ा है आपके सामने, आपके साथ, मत होने दो किसी को भी आपके साथ खड़ा, मैं हूं और मैं लगाऊंगा, बस आप तो मुझे क्वेश्चन भेजिए सर ये क्वेश्चन है और ये सा है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये जो मैंने बताए हैं इससे ज्यादा नहीं जाएंगी, आप लोगों को फिर भी विश्वास दिलाता हूं आप खुद भी नहीं हूं और मैं भी नहीं हूं। इसलिए संघर्ष और समस्याएं हमेशा साथ साथ चलती है, लेकिन संघर्ष से समस्याओं का सामना किया जा सकता है और समस्याओं को दूर किया जा सकता है, असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। इसलिए हमेशा मोटिवेट रहिए और मोटिवेट रख करके आने वाली वैकेंसी की तैयारी कीजिए साथियों। साथियों दिल से धन्यवाद इस एमके नागर का, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।